ईरान ने शनिवार रविवार की आधी रात इसराइल पर जोरदार हमला बोला था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ने इसराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया। ईरान का कहना है कि हमला इसराइल के अपराधों की सजा है। ईरान ने इसराइल पर 150 क्रूज मिसाइल और 200 ड्रोन से आग बरसाई। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव के क्रिया में वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल मजबूत है और डिफेंस और अटैक दोनों तरह से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसी बीच सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है कि पीएम नेतन्याहू कितनी संपत्ति के मालिक हैं। तो आपको बता दें कि वो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। आइए आपको बताते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की नेटवर्थ और उनकी कमाई के बारे में। बेंजामिन नेतन्याहू एक इजरायली राजनेता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन की कुल संपत्ति $13 मिलियन यानी करीब 130 लाख रुपए है। नेतन्याहू की सालाना कमाई की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक $1,70,000 सालाना कमाते हैं। नेतन्याहू का नाम दुनिया के सबसे अमीर पीएम की सूची में शामिल है। उनकी संपत्ति एक साल के भीतर 400% बढ़ चुकी है। साल 1970 में नेतन्याहू नौकरी करने अमेरिका के बोस्टन सिटी चले गए थे और एक कंसल्टिंग ग्रुप के साथ बतौर कंसल्टेंट काम करने लगे। कुछ साल बाद वापस लौटे और इसराइल की राजनीति में कदम रखा। पहली बार 1996 से 1999 तक प्रधानमंत्री बने और फिर 2009 में जब सत्ता पर काबिज हुए तो अभी तक कुर्सी नहीं छोड़ी। वो देश के पहले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने लगातार 4 टर्म चुनाव जीता और अभी तक कुल 6 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब वो नवंबर 2022 में फिर से चुने गए हैं। नेतन्याहू पर साल 2019 में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगे थे। नेतन्याहू का जन्म 1949 में जाफा में हुआ था। उनका पालन पोषण यरूशलम में हुआ। वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गए थे। नेतन्याहू के पिता एक संशोधनवादी ज़ियोनिस्ट थे। साल 1967 में नेतन्याहू इजरायली सेना में शामिल हो गए और जल्द ही एक कमांडो बन गए। उन्होंने 1973 के अरब इसराइल युद्ध के दौरान कप्तान की भूमिका भी निभाई थी। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। उन्हें साल 2019 में लंबे समय से चल रहे मामलों में करोड़पति दोस्तों से उपहार लेने के आरोप में आरोपित किया गया था। हालांकि नेतन्याहू ने किसी भी गलत काम से इनकार किया था। कई लोगों का मानना है कि नेतन्याहू इसराइल और दुनिया भर में एक विभाजनकारी व्यक्ति हैं। उन्होंने फिलिस्तीनियों के प्रति सख्त रुख अपनाया है और कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों के प्रबल समर्थक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं और भ्रष्टाचार घोटालों के प्रबंधन की भी आलोचना उनकी हुई थी। इजरायली अभी भी मुद्दों के बावजूद नेतन्याहू को एक लोकप्रिय व्यक्ति मानते हैं। उन्हें एक सक्षम नेता माना जाता है जो खतरनाक क्षेत्र में इजरायल की रक्षा कर सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।